प्राकृत भाषा में जो मंगलाचरण है उसमें ध्रुव शब्द नहीं है, कई दिनों से भूल जाते हैं बोलना, उसमें ध्रुव शब्द है, ध्रुव नहीं है। क्या शब्द है? ध्रुव, ध्रुव नहीं है, ध्रुव। वो तो अलग चीज है, लेकिन ये मूल में, तो ये ध्यान रखना उच्चारण में, ध्रुव अचल नहीं, ध्रुव अचल, ऐसा देखना उसको। समय सार जी ग्रंथादि राज है, उत्तम आकिंचन धर्म काज दिवस है। प्रातःकाल 207 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने चर्चा प्रारंभ की थी, पुनः इसको हम पढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ग्रंथ, ये ग्रंथ रखें, पीछे वाले को भी दे दीजिए, खासतौर से नए लोग जरूर देखें हमारे आचार्यों ने क्या बातें लिखी हैं, हमारे लिए क्या संपत्ति दी है, किसने दी है? आचार्यों ने है? जरा सा कुछ डिब्बा मिल जाए गिफ्ट में तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? देखो अच्छा लगता है, नहीं लगता? ऐसे कुछ मिल जाए कैसा लगता है, कुछ गिफ्ट मिल जाए तो? अरे यहां तो आचार्य परमिष्टि ने गिफ्ट में गॉड दिया है। क्या दिया है? लोगों को थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो उसे लगता है गॉड गिफ्ट है, लेकिन या तो आचार्य परमिष्टि ने हमें गिफ्ट में गॉड दिया है। भगवान कौन है? हम लड़का की लड़की कौन है? भगवान है। भगवान बनना है ये व्यवहारने का कथन है, लेकिन हम भगवान हैं, भगवान हैं। घी बनता है घर में? घी बनता है ना घर में? बनता कि नहीं बनता घी घर पे? मम्मी बनाती हैं, बनाती हैं, बनाती हैं, बनाती हैं है? घर बनाती है ना घी? घर पे कढ़ाई में दूध डाल के घी बनाती हैं? घी नहीं बनता है वो प्रोसेस से प्रकट होता है। ऐसे यहां भगवान पना है, समझ में आ रहा है? भगवान है। कौन भगवान है? मैं भगवान हूं। नारियल देखा? नारियल कैसा होता है, काला काला कि ब्राउन ब्राउन है? देखो नारियल ऊपर की वो अलग होते हैं, वो
जटाएं, और फिर वो कठोर कठोर चीज अलग होती है, और फिर वो पतली सी परत होती है वो उसको छील देते हैं, वो अलग होती है। और नारियल है कि नहीं, है कि नहीं? ऐसे ही ये जटाएं हैं, ये सब नहीं है। फिर आठ कर्म, फिर अंदर मोह राग द्वेष की वो लालिमा, और उसके अंदर ज्ञान स्वरूपी आत्मा है ना। ताजमहल कैसा लगता है? ताजमहल, ताजमहल नहीं देखा वो संगमरमर का आश्चर्य है कि नहीं? वो एक ताजमहल, अरे देखा कि नहीं देखा ताजमहल? तो ताजमहल कीमती है कि उसे जानने वाला ज्ञान कीमती है? किसकी महिमा है? ज्ञान, ज्ञान भगवान है। कौन भगवान है? ज्ञान। यदि ज्ञान नहीं होता तो दुनिया में इतनी सारी चीजें, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान कीमती है, ज्ञान की महिमा है, ज्ञान भगवान है। कौन भगवान है? ज्ञान। अरे इन भगवान को भी कौन जानता है? नहीं आ रहा समझ में? ये महावीर भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, नंदीश्वर के भगवान है, सिद्ध भगवान है, इन भगवान को भी कौन जान रहा है? तो मेरे लिए तो मेरा ज्ञान ही भगवान है। यदि ये नहीं होता तो ऐसे भगवान बनने की बात है। जैन धर्म है, अलौकिक धर्म है। प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु, सब धर्मों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि सब धर्म वाले कहते हैं तुम भक्त बने रहो। और भगवान क्या है? अब वो क्या है वो आप देख लो। ऐसे मनुष्य भी नहीं होते? नहीं आया समझ में? ऐसे मनुष्य देखे सूढ़ वाले, देखे? अरे देखे पूछ वाले, देखे? वो भगवान है, और वो जीभ बाहर निकल रही है, देखिए। अरे देखिए वो काली माई, वो क्या है वो? और वो ऐसे ऐसे आदमी देखे कहीं? ऐसे वो कोई ऐसे करे तो वो भगवान है। और कोई शेर पे बैठा है, कोई चूहे पे बैठा है। एक भक्त पहुंच गया, आज क्या चल रही है वो झांकियां, भगवान बहुत दिन हो गए पैदल घूमते हुए, मोटरसाइकिल दिलवा दो, स्कूटर। वो तो बोले मूर्ख मैं तो चूहे पे घूम रहा हूं, तुझे मोटरसाइकिल। ये तो खैर, लेकिन क्या बताना है? कोई स्वरूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। और बात भगवान बनने की बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन जैन शासन ऐसा है, वो दो बात कहता है, तुम अभी स्वभाव से भगवान हो, और स्वभाव को जानकर तुम स्वयं पर्याय में भी भगवान बन सकते हो, और अपना पूरा प्रथमा नहीं हो। 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? अनंत। अभी भी पांच विदेह क्षेत्रों में 20 तीर्थंकर है कि नहीं अभी भी? और वहां पे ऐसी स्थिति है कि आप भी बढ़िया अपनी आत्मा की भावना भाव सुखी हो, और सारे जीव वैसे सुखी हो, ऐसी भावना भाव तो विदेह क्षेत्र में जाकर जन्मो, और आप भी तीर्थंकर बन जाओ। तीर्थंकर वहां होते ही रहते हैं, तीन कल्याणक वाले होते कि नहीं होते? जब यहां पर अजितनाथ भगवान थे तब पूरे ढाई द्वीप में एक साथ 170 तीर्थंकर थे। एक साथ कितने? 170। एक साथ इतने तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, और क्रम में तो फिर अनंत 24 ही हो गई। कितने तीर्थंकर हो गए?
कितने होंगे? अनंत। और भगवान तो एक तीर्थंकर के समय में ही अनगिनत जीव भगवान बनते हैं। सम्यक शिखर जी की महिमा देखी आपने, एक एक टॉक से कितने जीव मोक्ष गए, कितने मोक्ष गए। और मोक्ष का मतलब देखो, जैसे आज नए नए चेहरे दिख रहे हैं, बच्चे बैठे हैं सब, तो मोक्ष का मतलब क्या है? ऐसे कहते हैं जैसे वो देख लिए ना ऊपर, ऐसे बस वहां पे क्या है, बस ऐसे सिर के ऊपर लटके रहो। मोक्ष मतलब, मोक्ष मतलब पता है? सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं, जैसे गुब्बारे में गैस भर के छोड़ दो तो क्या होगा? ऊपर से देखा है गुब्बारा, वो हीलियम गैस भर के उड़ा देते हैं तो ऐसे छत पर ऐसे लटक, जैसे ऐसे टंगा रहता है। ऐसे सिद्ध भगवान भी ऊपर आसमान में, तीन लोक के ऊपर तनुवात वलय में ऐसे लटके हैं। अब वहां पे देखो, ना टीवी, ना मोबाइल, ना आइसक्रीम, ना टॉफी, कुछ है वहां पे? अरे वहां तो आंख नाक कान भी नहीं है, बेचारे क्या करते होंगे? अब उनकी आंख ही नहीं, अब जीव नहीं, रसनेन्द्रिय नहीं, तो कुछ स्वाद आता कि नहीं आता उनको? सिद्ध भगवान को परेशान है कि नहीं बेचारे? हैं, अब फालतू सिद्ध बन गए ना, कुछ कुछ भी नहीं है ना, घूमना फिरना कुछ है कि नहीं? अरे बनना कि नहीं बनना सिद्ध भगवान? आंख भी नहीं रहेगी और मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे, बनना है, बनना है सिद्ध भगवान? ये कपड़े अपड़े सब उतर जाएंगे और शरीर भी हट जाएगा, बनना है? मम्मी पापा छूट जाएंगे? ये तो पक्का है लड़का। क्या नाम है? सक्षम, तभी तो बोल रहा है वो सक्षम है सिद्ध बनने में। तो सिद्ध बनना मतलब क्या, मोक्ष मतलब क्या? ओहो, मोक्ष मतलब जितने ये संसार के दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं। आज हम वहां गए थे कहीं पे, रास्ते में कुत्ता था, उसका पूरा सिर खुला हुआ, एक कुत्ते का, बोलो कितनी तकलीफ। अपने थोड़े से कुछ हो जाए, उसमें मक्खी बैठे, कैसा लगता है? कितनी तकलीफ। तो संसार के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, पढ़ने की, लिखने की, डांट, सब मैडम डांटती है, मम्मी पापा डांटते हैं, पढ़ो टीवी मत देखो, फिर गुस्सा आती कि नहीं आती? मम्मी को ऐसा नहीं आती? और मैम कुछ बोले तो आती, सच्ची बोलना झूठ नहीं बोलना, ऐसा गुस्सा तो आती, खेलने नहीं दे रही मम्मी। और तो ये जितनी भी तकलीफ है, कष्ट है, जन्म मरण के, भूख प्यास के, निंदा प्रशंसा के, सिद्धालय में सारे कष्टों का अभाव। स्त्री पर्याय के कितने दुख नहीं है, पराधीनता और सब, सिद्धालय में मोक्ष अवस्था में इन सारे दुखों का अभाव। कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। न शरीर मिलेगा, न गतियां मिलेंगी, कुछ नहीं, सारे पाप पुण्य सबका नाश। अपनी जो पर्याय है, अपने जो ज्ञान है, उसमें आनंद ही आनंद होगा। चाहिए आनंद? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो अब विषय बदल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, नोट कर लो। विश्व का प्रत्येक जीव प्रति समय दो चीज चाहता है। कितनी चीज? कौन सी दो चीज? एक ज्ञान और दूसरा सुख। कोई हो, कोई भी, तीन लोक तीन काल का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, क्या सब क्या चाहते हैं? ज्ञान और सुख। क्या चाहते हैं? मेरठ में कितने तरह की दुकानें हैं लिख लो, सब सुख की दुकानें हैं। परमार्थ में धन से भी सबको क्या चाहिए? और कहीं भी देखते हैं, जाते हैं, जिज्ञासा होती है, टूरिस्ट प्लेस, तो वो जानना चाहते हैं ना, नया नया नया। जैसे अभी एकदम तेज आवाज आए नीचे से, क्या हुआ, जिज्ञासा होती है। ये टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये क्या है? प्रति समय
जानना 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 चाहते हैं, और जानना भी क्यों चाहते हैं, सुख के लिए, निराकुलता के लिए, आनंद के लिए। तो प्रति समय प्रत्येक जीव क्या चाहता है, ज्ञान और प्रश्न है क्यों चाहता है, क्योंकि ज्ञान और सुख ये आत्मा के स्वभाव है। क्या है ये स्वभाव, और प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर ढलती है, स्वभाव की ओर झुकती है, स्वभाव की ओर जाती है। पानी को आप गर्म कर दो लेकिन धीरे धीरे अपने आप शीतलता की ओर जाएगा। एक ही दृष्टांत काफी है। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव हर समय क्या चाहता है, बोलो। आप पानी पीते हो, क्यों पीते हो, क्योंकि आपको प्यास का दुख होता है, वेदना होती है। आप भोजन करते हो, क्यों करते हो, अरे क्रोध भी व्यक्ति जीव क्रोध भी करता है, तो किसके लिए, मानवी। हर काम नींद में करवट बदलेगा किसके लिए, किसके लिए, पढ़ाई किसके लिए, कैसे सुख के लिए। अब देखो बेटा तुम पढ़ जाओ लिख जाओ, बड़े हो जाओगे फिर सर्विस लग जाएगी, तो जब अच्छी सर्विस लग जाएगी अच्छे पैसे मिलेंगे तो अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, अच्छा घर होगा अच्छी गाड़ी हो जाएगी, और फिर तुम क्या हो जाओगे, ऐसा बताते नहीं बताते किसके लिए। लेकिन लिख लो, आज तक इस जीव को सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख प्रकट नहीं हुआ। क्या बोला, और इसे पंचेंद्री के सारे भोग मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा नरेंद्र मोदी कहीं लगते, राजा महाराजा अनंत बार बन चुके, नौवे ग्रहवेग तक जा चुके, धर्म के नाम पर अणुव्रत महाव्रत आदि का छुल्लक एलक, और मुनि भी अनंत बार बन चुके ज्ञान और सुख के लिए। लेकिन पाप कितने हैं, पाप कितने हैं, गलती कितनी है, कमी कितनी है, है आत्मा पूरा अपने परिग्रह से, आकिंचन धर्म का दिन है आज, अपने वैभव से परिग्रह से पूरा, कोई कमी नहीं है। लेकिन पूरा होने पर भी अपने को नहीं जानता और कमी ही देखता रहता है। कितनी कमी है, एक है पूरा और देख क्या रहा है, कमी। और जब अपने स्वरूप को नहीं जानता, सच्चा ज्ञान सुख नहीं मिला यहां से, तो ज्ञान सुख की तलाश कहां करता है, पर में। और पर में तो सुख है नहीं है, तो इसलिए इसको सुख के नाम पर क्या मिलता है। दृष्टांत, आपको मुंह मीठा करना है, तो आप मुंह मीठा करने के लिए आप नमक मुंह में रख लो तो क्या होगा, अरे बोलो सुंदर ध्यान से, मार्मिक दृष्टांत है। नमक मुंह में रख लिया तो मुंह मीठा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पर के ग्रहण से सुख नहीं होता। अरे मुंह मीठा नहीं हुआ तो क्या करो, नमक को थूक दो, तो नमक के थूकने से मुंह मीठा हो जाएगा। ऐसा ही पर द्रव्यों के ग्रहण से सुख नहीं हुआ तो पर को त्याग देंगे तो सुख हो जाएगा। देखो तो बहुत बड़ा सूत्र है ये, दुकान मकान पत्नी बच्चों से आज तक सुख नहीं मिला, अब मैं इन सबको त्यागता हूं तो सुखी हो जाओगे, क्यों नहीं होगे, क्योंकि सुख जैसे शक्कर में मिठास है, शक्कर को खाओगे तो मुंह मीठा होगा और शक्कर को नहीं खाओगे तो। कोई नमक खाए, कोई कंकड़ पत्थर खाए, या कोई नहीं हम तो साहब अमीर हैं चांदी खाएंगे। अभी दाल चावल बीच में छोड़ दिए, चांदी खाएंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा, नहीं हम तो सोना खाएंगे फिर हो जाएगा, नहीं हीरे खाएंगे बढ़िया चमकदार कोहिनूर डायमंड हो जाएगा। देखो क्या कहना है कि मीठे के लिए, अरे भैया ये तो आज क्लास कौन ले रहा है, हमारी क्लास लग रही है। इधर देखो, तो जैसे मिठास के लिए सिर्फ शक्कर, एग्जाम्पल में सिर्फ क्या चाहिए, शक्कर,
ऐसे ही आत्मा को आत्मी ज्ञान आनंद के लिए आत्मा का ही आश्रय चाहिए। किसका? आत्मा का कि पंचेंद्री के भोगों का? आत्मा का कि दुकान मकान का? आत्मा का कि बढ़िया कपड़े जेवर का? किसका? आत्मा का कि शरीर का? आत्मा का कि पाप का? आत्मा का कि पुण्य का? आत्मा का कि कर्मों का? आत्मा का कि कसाय का? किसका चाहिए? सिर्फ एक आत्मा का। और आत्मा का मतलब लिख लो, जैसे शक्कर मतलब मिठासमयी वस्तु, ऐसे ही आत्मा मतलब ज्ञानमयी वस्तु। एक साथ बोलो। तो ये भैया जी प्लर व्लर हटवाओ, दिखता नहीं पीछे लोग कैसे बैठे हैं, क्या है ये बीच में से? तो अगली बार ही प्रवचन करेंगे क्या करेगा? पीछे वाले विचारों को देखो, अभी बीच में हमने कहा था स्टूल मत लगाना, लेकिन फिर स्टूल लगे बीच में, पीछे वालों को दिखता नहीं है कुछ। और फिर पीछे वालों को जब दिखता नहीं है कुछ, तो वो भी आपस में फिर काय कवे आई साड़ी कितने की ली, मतलब क्या सबका होएगा फिर? नहीं वो कहां आ गए हैं, वो तो पहले से ही कंपैक्ट है। कुछ नहीं, बस आज से बैठे रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जिसके भाग में जैसा है वैसा ही है शांति, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो ध्यान से, बस आंख आपकी नहीं देख पा रही तो कानों को आंख बना लो। क्या कहा? हाँ, और आंख को है ना यहां वहां देखने मत लगाओ, आंख को आप ऐसी भगवान जैसी नासाग दृष्टि कर लो और ध्यान से सुनो। आत्मा मतलब, शक्कर मतलब सक्षम, भगवान जैसे बैठो बढ़िया सीधे, और मुनिराज जैसे उपसर्ग जाई रहना, अगल बगल वाले कुछ भी कहे डोंट डिस्टर्ब। आत्मा मतलब जैसे शक्कर के नाम पर मिठासमयी पदार्थ दिखता है, ऐसे ही मैं आत्मा हूं मतलब ज्ञानमयी वस्तु हूं। कैसी वस्तु हूं? मेरा द्रव्य ज्ञानमयी, मेरा गुण भी ज्ञानमयी, मेरी पर्याय भी ज्ञानमयी, मेरा एक एक प्रदेश ज्ञानमयी। कैसा हूं मैं? ज्ञानमयी। ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो यहां छुओ क्या है, यहां छुओ क्या है, यहां छुओ क्या है, घुटने को छुओ क्या है? ज्ञान। बराबर एक चीज हो गई। आज कौन से धर्म का दिन है? उत्तम आकिंचन। और आकिंचन के स्वरूप को समझने का, और आकिंचन धर्म जिसके आश्रय से होता है, ऐसे आत्मा को समझने का। बराबर। तो अभी आप लोगों के पास कितना, कौन कौन के पास परिग्रह लिस्ट बताओ? आप लोगों को परिग्रह है कि नहीं? बैंक बैलेंस, लॉकर में कुछ जमीन वगैरह है कि नहीं? अंगूठी चैन, अरे है कि नहीं परिग्रह? अब देखना, ये तो यही मिला है और यहीं पर छूट जाएगा। और जैसे मान लो धोखे से किसी की डेथ हो गई है ना, जीप तो चला गया और वो है, और वो उंगली है, उंगली उंगली में अंगूठी है अच्छी वजनदार, और उंगली फूल गई, थोड़े दिन ज्यादा ऐसे देर रखा रहा, तो फिर वो घर वाले क्या करेंगे? अब चली जान दो, क्या करेंगे? और नहीं निकले तो क्या करेंगे? तो देखो यही मिली है, यही मतलब जो कुछ यहां पर है वो आपके साथ है। हमारे विदिशा में कफन में जेब नहीं लगती, मेरठ में लगती है क्या कफन में जेब वगैरह ऐसी कुछ पॉकेट कुछ लगता है क्या? अरे लगता है क्या?
तो कुछ साथ जाएगा, दुकान, घर, गृहस्थी, साड़ी, चप्पलें, मतलब ऐसी बहुत सारी हमने सुना है महिलाओं के पास मैचिंग की चप्पल, ऐसी मैचिंग की चीजें रहती हैं कुछ। तो भैया ये परिग्रह ये मेरा नहीं है और ये मुझे सुख का कारण भी नहीं है, तो फिर मेरा परिग्रह कौन सा है? आज सुबह बताया था, आज सुबह की चर्चा, मेरा परिग्रह क्या है? देखो यहां सुन ध्यान से, ज्ञान कहां नहीं है? जहां पर पूरा शरीर है वहां पर ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान, तो जहां ज्ञान है वहां ज्ञान अकेला है कि और भी कुछ है? देखो ये अपनी शक्ति, अपना वैभव, अपना परिग्रह जाने और उसका राइट प्रयोग हो तो यहां आनंद हो। जब यहां आनंद हो तो पर परिग्रह का ऑटोमेटिक लक्ष्य छूटे, फिर कसाय धीरे धीरे मिटे तो वो परिग्रह भी छूटता जाए। अच्छा बताओ, पड़ोसी के घर में 10 कमरे हैं तो आप कितने कमरे झाड़ने जाओगे, झाड़ू लगाने जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे वो कह रहा है भैया 10 कमरे बड़ा मकान है हमारा, जाओगे कि नहीं जाओगे? टेंशन है कि नहीं है? अच्छा उसकी 20 साड़ी है, लड़कों की तरह 20 शर्ट है, तो के भैया 20 शर्ट है मेरे पास, धुलवा दो, प्रेस करवा दो, जाओगे नहीं जाओगे? तो आफत लगेगी? अरे लगेगी नहीं लगेगी की? नहीं, यदि वो बुलाए तो लगेगी ना आफत। क्यों भैया? दूसरों का काम है। सुनो, ऐसे जी बाहर का परिग्रह, दुकान, घर, गृहस्थी, जब ये पर दिखे, इसमें फालतू टाइम और ज्ञान वेस्ट होना दिखे तो इसका त्याग हो। बात समझ में आ रही है कुछ? बोलो, आप कभी 3-4 कमरों का मकान है तो उसका संभालो, ये करो पूरा है? महिलाओं से पूछो, पर सुबह 15 पूजा क्यों नहीं आ पाती? वो डस्टिंग, डस्टिंग क्या होती है? अरे नहीं पता डस्टिंग? बोल ही नहीं रहा कोई। क्या करते हैं? धूल, सबकी धूल। समय पूरा कहां चला गया? चेतन का समय पूरा जड़ में ही चला गया। जीव होकर पुद्गल पर पागल, किस पर? बोलो आप। पूरा समय, शक्ति, ज्ञान, सब कुछ किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? लेकिन क्यों जा रहा है? क्योंकि इसे अपने घर की, अपनी संपत्ति की, अपने वैभव की खबर नहीं है, खबर नहीं है, और उसका उसको लाभ आज तक मिला नहीं है, और आनंद, सच्चा सुख आया नहीं है, तो पर में ही सुख खोजता है। क्या करता है? क्योंकि काम तो है, ज्ञान और सुख काम तो है, तो प्रति समय उपाय क्या करता है? हर चीज, एक एक एक्टिविटीज हर समय सुख के लिए है, लेकिन उसे वो सुख की विधि, सुख कहां है, इस बात की खबर नहीं है। ये जिनवाणी माता आपको इस बात को बताती है। तो हम सब कौन है? देखो, इस 10 लक्षण में इतना तो पक्का हो जाना चाहिए। हम सब कौन है? जीव। और जीव मतलब ज्ञान वाली वस्तु। जीव मतलब, तो ज्ञान अकेला है कि और भी कुछ है? देखो अभी आपको शक्कर में बता रहे हैं, शक्कर में 47 शक्ति बता रहे हैं। देखो किसमें? शक्कर में। देखना है? अरे देखना कि नहीं देखना? मजा नहीं आ रहा लोगों को। देखना है? देखो, शक्कर मिठास वाली वस्तु है, ये तो पता ही है, उसका स्वभाव पूरी मिठास सर्वांग, बराबर। अब मिठास है कि नहीं? मिठास है कि नहीं? तो अस्तित्व है कि नहीं उसका? मिठास को मिठास किसने बनाया? कौन नष्ट कर देगा? एक गिलास में एक चीनी शक्कर डाल दो, उसमें पानी डाल दो, उसमें 25 नींबू डाल दो और 1000 साल तक रखे रहने दो, शक्कर का क्या होगा? देखो आप, शक्कर की सत्ता और स्वरूप, उसका वैभव,
समझ में आ रहा है, साइंस एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। और शक्कर में से प्रति समय क्या हो रहा है, उसका काम क्या चल रहा है? अच्छा, यदि वो भूल गई तो, और अंधेरे में रखी रही तो, और तुमने याद नहीं दिलाया तो उसे, हे मीठा कर, देखो प्रति समय क्या हो रहा है, हो रही है, समझ में आ रहा है, प्रति समय मिठास। ऐसा नहीं तुम 10 दिन शिखर जी गए और डिब्बा के खोला, दूध में शक्कर डाली, उसमें से पता नहीं क्या निकला, क्या निकलेगा? मिठास निकलेगी, बराबर। और प्रति समय परिणमन उसमें हो रहा कि नहीं हो रहा, पर्याय प्रति समय। और शक्कर 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 रहती है, उसका मिठास परा मिठास पना रहता है, वो बिखरता है, फैलता है, अगुण लघुत्व गुण है कि नहीं शक्कर में? ये नोट करने की चीजें हैं, ये पढ़ाई। और शक्कर का अपना आकार है कि नहीं? और केवल ज्ञान में शक्कर विषय बन रही कि नहीं बन रही? आंख बंद करो, सब आंख बंद करो, देखो आपके घर का शक्कर का डिब्बा, शक्कर दिख रही है कि जिसकी थोड़ी बची होगी, दिख रही नहीं दिख रही? जिसकी होगी, और किसी को अरे भूल गए शक्कर मंगा पंडित जी ने, तो वो शक्कर का खाली डिब्बा भी दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो अपने ज्ञान में विषय बनती है, ये कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण। देखो शक्कर में और शक्कर की प्रभुता, ये क्या हो रहा? शक्कर की प्रभुता, समुद्र में डाल दो शक्कर को तो शक्कर मिटेगी? उसकी स्वतंत्र पने प्रभुता रहेगी, उसकी प्रभुत्व शक्ति। और शक्कर अपना मिठास में जीवन जी रही कि नहीं जी रही? अरे तुम ज्ञान में जी रहे हो तो वो अपना उसकी शक्ति है वो। और शक्कर कभी नमक बनेगी, नींबू बनेगी, पानी बनेगी, तो उसकी चिति शक्ति है। बात समझ में आ रही है? तो शक्कर में कितनी शक्तियां? बस शक्ति कोई आचार्य यहां कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में उसका परिग्रह, उसका वैभव होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, नहीं होता? सोने में सोने के गुणधर्म है, पीतल में तांबा का पानी पीते कि नहीं पीते? आंवला, आंवला क्या है? देखो आंवला एक ऐसी चीज है, उसे सुखा दो, किस दो, उबाल दो, रखा रहे, उसके किसी भी अवस्था में गुण कम नहीं होते, उसकी जो उसमें जो वैरायटीज है, वैभव है। तुलसी बोलो उसकी है कि नहीं? एक एक चीज की अपनी प्रॉपर्टीज, ये तो सब विज्ञान वाले बच्चे हैं, सब सब जानते हैं। तो उसके अपने अपने जो गुण धर्म है, वो अपनी अपनी वस्तु की संपत्ति, वैरायटी, परिग्रह है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक वस्तु अपने वैभव से वैभववान है कि अधूरी है? उसे किसी की जरूरत है? बस ऐसे ही मैं आत्मा भी अपनी संपत्ति से, अपने वैभव से, अपने परिग्रह से वैभववान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक हमने बात सुनी नहीं, सीखी नहीं, जानी नहीं, उसका अनुभव भी नहीं किया। और हमारे ग्रंथों में ये बातें सारी आचार्यों ने लिखी। इधर देखो, बोलो आज भी या पूरा का पूरा प्रथमान युग तो है ही, भरत चक्रवर्ती, रामचंद्र जी सब राजा थे ना, बड़े बड़े, पांच पांडव और बहुत सारा। तो वो सारी दुकान मकान, पत्नी बच्चे, राज्य वैभव, संपत्ति, आभूषण, रानियां, पंचेंद्री के भोग छोड़कर मुनि बने और जंगल में गए, वो गए ना, तो वे दुखी थे कि सुखी थे? तो किसके बल पे थे? कुछ होगा ना ऐसा? बात समझ में आ रही है? देखो ये मुनि बनना तो अपन बाहर से देखते हैं, छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में छोड़ा कि अंदर का बढ़ता गया तो छूट गया? बोलो, कल तो बहुत दृष्टांत दिए थे त्याग में, कि अच्छे अच्छे पैकेज मिलते जाते हैं तो पुरानी नौकरी छोड़ते जाते हैं, नहीं छोड़ते? बिल्कुल सरल गणित है, बिल्कुल सरल है गणित।
छूटता कब है? लेकिन भिखारी का एग्जाम्पल दिया था, भिखारी का, कि भिखारी को अच्छी चीज मिल गई तो बुरी चीज बोलो छोड़ना पड़ी कि उसका ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं है। सही है कि गलत है? आप ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल बना सकते हो, आप स्वयं बना सकते हो। बोलो जो आपके पास सब कपड़े पहने हो अभी, 100 रुपये मीटर के, 200 रुपये मीटर के, 500 की शर्ट, 5000 की साड़ी, लेकिन आपको ऐसी 25000 की भेंट करें, गिफ्ट गिफ्ट 5000 की शर्ट दें, तो 500 की क्या करोगे? अरे बोलो तो, कब कहां छूटेगी? समझ में आ रहा है क्या कहना है? अच्छी चीज मिलती है तो, नया बढ़िया मकान मिलता है तो पुराना छूट जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान को, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसका अनंत गुणों का वैभव परिग्रह, उसकी अस्थि की मस्ती होती है और कसाई चौकड़ियां कर्म टूटते जाते हैं, आनंद बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, कसाएं घटती जाती हैं, बस धीरे धीरे सारी पराधीनता, पराया परिग्रह चीजें, गुलामी, देखो गुलामी है ये, क्या है ये? गुलामी है। सुबह से शाम तक क्या है बोलो आप? देखो एक चीज याद आ रही है, एक लड़की है, बढ़िया अच्छे शहर की, अप टू डेट कॉलेज में पढ़ती है, और बढ़िया घर पे भी कोई काम नहीं, साफ एकदम ऐसे रहती है, रहती कि नहीं रहती? अरे हाँ ना तो करो, रहती है बराबर, और घर में किसी की नहीं सुनना, मम्मी की, पापा की, मंदिर से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं, मैं तो बस। और दुर्भाग्य से उसकी शादी हो जाती है, दुर्भाग्य से। तो फिर अब पति, अब पति की सुनेगी कि नहीं सुनेगी? अरे बोलो तो। अब ठीक है, पति तो फिर भी ठीक है, अभी गड़बड़ सुनना मामला, अभी तक कैसी रहती थी? एकदम एकदम साफ ऐसी। और जैसे ही वो तीसरा आया, तीसरा समझ गए कौन आया? देखो इसको भी पता है, सार्थक को कह रहे, वो आया तीसरा। तो अब सुनना, बोलो जन्मते से ही उसकी गंदगी, लैट्रिन, बाथरूम, नाक, बोलो करना है कि नहीं करना साफ? ट्रेन में हो, बस में हो, मंदिर में हो, मतलब बोलो पूरे टाइम किसकी गुलामी? तो पहले वो कह रही थी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मंदिर नहीं आ सकती, मैं प्रवचन में नहीं, क्लास में नहीं, टाइम नहीं था ना। अब फिर पति आ गए तो अब भी टाइम नहीं है, अब बच्चा हो गया तो अब भी टाइम नहीं है। और यदि अपन 40, 50, 60 साल पहले जाओ तो एक आ गया तो अब भी टाइम नहीं है, फिर दो आ गए फिर भी टाइम नहीं है, फिर तीन आ गए फिर भी टाइम नहीं है, पूरी क्रिकेट टीम बोलो होते थे पहले, जो ओल्ड एज वाले उनके 6-8 भाई बहन ऐसे नहीं होते थे पहले, 10-12 ऐसे? अरे होते थे कि नहीं होते थे? झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे हंस के हो रहा है, अरे होते थे? जैसे जो मेरी एज है तो हम 4 भाई बहन है, तो अलग अलग एज में हमसे बड़े उनके 6, ऐसे धीरे धीरे 4, फिर 3, फिर 2, अब पता नहीं कितने बचे, अच्छा एक बचा। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम पहले भी नहीं, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, बताना क्या था? जीवन किस में जा रहा है? पूरा गुलामी में, कपड़े धुल रहे हैं, फिर एक बच्चे के, फिर 2 के, 3 के, फिर उसका स्कूल, फिर उसे टिफिन, फिर लंच, 5 बजे उठना, फिर सुबह उठ, बोलो अब टाइम कितना है? बोलो पहले बिल्कुल टाइम नहीं, जब अकेली थी, मम्मी रोटी बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब पति आ गया, फिर एक बच्चा, फिर 2 बच्चा, अब कितना टाइम मिल रहा है गुलामी के लिए? गुलामी के लिए कह रहे हैं, पति की, फिर सास की, फिर ससुर की, और हर घर में एक दो बीमार तो रहते ही हैं। बोलो आप, यहां जाओ। अरे सास की क्या बात, अच्छे से सुनना है ठीक। क्या नाम है आपका? आगम। अरे आपकी तो सही बैठा है बिल्कुल, आगे वेरी गुड।
बात नहीं करना, आगम 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 से सब बात करते हैं, आगम किसी से बात नहीं करता, ठीक है। इस तरफ बैठो भगवान बन के, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या बोल रहे थे? कहना ये है कि परिग्रह मतलब लिख लो बाहर का, परिग्रह मतलब गुलामी, ये भाव भाषण कराने की बात है। बाहर का परिग्रह मतलब बोलो, पांच कपड़े हैं तो पांच की गुलामी, और 25 हो तो, अब किसी पार्टी में जाना है और मान लो दो ही कपड़े हैं, दो ही कपड़े, एक पहने हैं और एक धोकर टांगा है, तो क्या होगा? और पांच होंगे तो क्या हो रहा है? ये विकल्प, दुख, आकुलता, कसाय, क्या है ये? परिग्रह, चिंता, दुख ही पढ़ते तो है। क्लियर हुआ? बताना ये है कि पर के परिग्रह में तो गुलामी है, लेकिन जो आत्मा का वैभव है, मैं जान स्वयं के वैभव को, इसमें विकल्प दुख नहीं है, इसमें तो आनंद है। अब कैसे आनंद है? कि अपना जो स्वभाव है, अपना जो वैभव है, उसको जानकर आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। देखो, ज्ञान के वैभव की, ज्ञान के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, समय अपने पास कम है, आज पहले से ही टाइम लिमिट है, कितने 9 तक लेना है, करेक्ट? तो अपने पास अभी है लगभग 15-18 मिनट, तो डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं, डायरेक्ट चर्चा। हम सब कौन है? एक साथ बोलो, पीछे वाले बोलो, जो नए लोग आए वो बोलेंगे, हम सब कौन है? अरे जीव है कि नहीं? 6 द्रव्य में कौन से द्रव्य है? शरीर कौन सा द्रव्य है? धन, दुकान, मकान कौन से द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, रुपया, पैसा, मोबाइल, चश्मा, सब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। हम कौन से द्रव्य है? जीव द्रव्य। तो जैसे शक्कर मिठासमयी वस्तु है, ऐसे जीव कैसी वस्तु है? ज्ञानमयी। कैसी वस्तु है? ज्ञानमयी वस्तु। पक्का? अब देखो, अपने ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान वैभव को, स्वच्छ स्वभाव को नहीं जानते तो क्या गड़बड़ होती है? बराबर बराबर, कैसे गड़बड़ होती है? एक कहानी सुना रहा है आपको, है ना, कहानी पंचतंत्र की आपने पढ़ी होगी, पंचतंत्र की कहानी। जंगल का राजा शेर, कौन था? शेर ही होगा, गीदड़ तो होगा नहीं, शेर जंगल का राजा। और गर्मियों के दिन थे, तपती दोपहर, बहुत तेज गर्मी पड़ गई, उसे प्यास लगी दोपहर में, निकला पानी की तलाश में, पानी की तलाश में, और तलाशते तलाशते कुएं के पास पहुंचा। कौन पहुंचा? कुएं के पास पहुंचा, और उसने नीचे झांका, तो जैसे ही कुएं में उस शेर ने नीचे झांका, तो उसे कुएं में दूसरा शेर दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? कौन दिखाई दिया? कौन दिखाई दिया? एक साथ बोलो, पीछे वाले, कौन दिखाई दिया? हाँ, परछाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? तो परछाई दिखाई दी। लेकिन अब ये अज्ञानी था, तो इसने समझा कुएं में कौन है? दूसरा शेर। बराबर? तो अच्छा, जंगल में तो, एक गली में तो, एक मंडल में कोई पंडित रहेगा, मतलब तो दूसरा कैसे? आपके पांच हैं, आप पांच पांडव वाले हैं, तो दूसरा शेर दिखाई दिया। तो एक तो इसको देख के क्रोध आ गया, ये कैसे आ गया? तो ये दहाड़ा, जब ये दहाड़ा, वो भी कमजोर नहीं है, वो और तेज दहाड़ा। अरे मेरे से तेज दहाड़ता है, फिर ये और तेज दहाड़ा, फिर क्या हुआ? और तेज दहाड़ा। अरे अब इसे और तेज क्रोध आया, तो एकदम झुका, जैसे वो बंदर, आप कैसे ऐसे करते, बंदर नहीं करते, तो ये ऐसे झुका। तो जब ये झुकेगा तो वो भी, वो झुकेगा नहीं, वो ऊपर आएगा, अब वो
अच्छा मेरे ऊपर झपटता है, फिर ये और झुका तो वो और ऊपर आया। अरे और इसने फिर गुस्से में, और कुआ पानी से भरा था, वो शेर मर गया। प्रश्न है शेर क्यों मरा? देखो दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना जरूरी है, और बहुत मार्मिक है, पूरे जैन शासन अध्यात्म के मर्म को खोलने वाला, सारे अज्ञान मिथ्यात्म और दुख और कसाय को मिटाने वाला निर्णय पूर्वक। प्रश्न है शेर क्यों मरा? कौन उत्तर देगा पहले वो हाथ खड़ा करे, व्यवस्थित उत्तर चाहिए सही पुरुषों में। हाँ बताइए, अभी अभी वो शेर क्यों मरा दृष्टांत में, पहले सिद्धांत में तो अपन ले चलेंगे। शेर क्यों मरा? हाँ पीछे से। हाँ नहीं, अज्ञानता तो कॉमन वर्ड है, अज्ञानता क्या है? पीछे से बाबूजी बता रहे हैं। हाँ बाबूजी, हाँ आप। हाँ मैं ही शेर हूं। सुनो ध्यान से, साइंस सुनना आपने को तो साइंस चाहिए। हाँ बेटा, मूर्खता से, सही बात है। अब मूर्खता क्या है वही तो चाहिए। इधर देखो सब, सुनना ध्यान से, वो शेर क्यों मरा? शेर क्यों मरा? उत्तर, पानी के स्वच्छ झलकाने के स्वभाव को ना जानने से। क्या कहा? पानी का स्वभाव क्या है बोलो? आप कभी सरोवर के किनारे जाओ, थोड़ा रात का समय हो, पूनम की रात हो, ऊपर तारे हो, तो पानी में क्या दिखेगा? सूरज की, चंद्रमा, तारे दिखेंगे पानी में? अरे है कि नहीं पानी में? पानी में तारे है कि नहीं? नहीं। चंद्रमा है कि नहीं? नहीं। और कढ़ाई में पानी रखा है छत पे, और झरिया से निकाल लो, निकलेंगे नहीं निकलेंगे? नहीं। देखो पानी का जैसा वैभव है, पानी का स्वभाव है, पानी में पानी की स्वच्छता है, पानी में पानी ही दिखता है, पानी में पानी की सत्ता है, पानी में दूसरा कोई नहीं है, पानी का वैभव परिग्रह पानी में, पानी के गुणधर्म, बराबर समझ में आया? लेकिन शेर उस स्वच्छ स्वभाव को नहीं जानता था, तो पानी में जो अपना अपना चेहरा दिख रहा था, क्या दिख रहा था उस स्वच्छ पानी में, लेकिन समझ क्या रहा था? दूसरा शेर है। तो क्यों मरा शेर? पानी के स्वच्छ स्वभाव को ना जानने से। सुनो सुनो दृष्टांत से सिद्धांत। ऐसे ही हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में ये सब गे झलक रहे, दुकान मकान पत्नी बच्चे देव सास गुरु शरीर कर्म कसाय, लेकिन ज्ञान में क्या है, पानी में क्या है? सिर्फ पानी की स्वच्छता। ऐसे ही मेरे ज्ञान में क्या है, मैं कैसा हूं? ज्ञान तत्व, ज्ञानमयी वस्तु। और ज्ञान में ज्ञान के अलावा, अपने वैभव के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं जानता, तो ज्ञान समझता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं युवा हूं, मैं बालक हूं। बोलो सच्ची बात है कि अज्ञानता है? अज्ञानता है। जैसे पानी में दूसरा शेर नहीं है, ऐसे ही मेरे ज्ञान में शरीर है, हम सब अभी शरीर वाले हैं, ज्ञान में कर्म है, हम कर्म वाले हैं, ज्ञान में भी मोह राग द्वेष कसाय है, किसमें? ज्ञान मतलब मेरे में, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? मेरे में ही सब चीजें हैं, मेरे में ही। तो फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? वो जो ज्ञान है विशेष जानने वाला, मैं ही स्त्री, मैं ही पुरुष, मैं ही परिग्रह वाला, मैं ही ऐसा, मतलब लगा लो मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव मेरे धन रहे, मैं मेरे सुत्ती में सबल दीन बेरूप सुभग, पूरी छह डाला की दूसरी ढाल में, ऐसा ज्ञान जान रहा है। जबकि ज्ञान में ज्ञान है कि ये सब चीजें हैं, तो ज्ञान में ज्ञान है, वो ही मैं हूं, वो ही मेरा है,
वही मेरा परिग्रह है कि दुकान मकान पत्नी बच्चे ये बैंक बैलेंस गाड़ी बंगले ये मेरे हैं। बोलो पीछे वाले, तो मैं कौन हूं? ज्ञान, ज्ञान हूं कि ज्ञेय हूं? तो ज्ञान में सब झलक रहे हैं तो वो अपने है कि नहीं? झलकने से मैं उनमें हूं कि नहीं? मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं कि नहीं? वो मेरे है कि नहीं? वो मेरे कमाने से आए कि नहीं आए? रोकने से रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? और मैं उनको भोग सकता कि नहीं भोग सकता? पंचेंद्रिय के भोगों से सुख होता कि नहीं होता? बस ऐसा ज्ञान आज हुआ, भ्रांति मिटी, ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये सम्यक दर्शन। और आज से उनसे सुख नहीं है, वो मेरे नहीं है, उनसे मेरी महिमा नहीं है, इसलिए आज से उनके प्रति अनंत जो कसाय थी, लिप्सा थी, वो आज से छूटना, ये उत्तम आकिंचन धर्म है, ये शुरुआत है, शुरुआत। और अभी जो कसाय चौपड़ी है ना, कर्म बने हैं, वो धीरे धीरे इसी आनंद के बल से, निरपेक्षता के बल से, भेद विज्ञान के बल से, उनका क्या होगा? क्षय होता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी। देखो चार कसाय चौकड़ी हैं, बराबर। गर्मियों के दिन है, आप सबसे ऊपर छत पे चले गए दोपहर में, तो क्या होगा? बोलो एकदम गर्मी लगेगी, फिर क्या करोगे आप? नीचे वाली मंजिल में आ गई, लेकिन वहां भी गर्मी उतनी नहीं है, लेकिन है, फिर क्या करोगे? नीचे वाली मंजिल में आ गए, बराबर। फिर और गर्मी लग रही है, फिर क्या करोगे? एकदम बेसमेंट में। अब क्या हुआ? बस ऐसे ही अपना स्वरूप जानकर पहले अनंतानुबंधी कसाय मिटती है, उतनी गर्मी दूर होती है कसाय की, फिर ताकत बढ़ती है, तो अप्रत्याख्यान मिटती है, और शांति, और शांति, धीरे धीरे पर वस्तुओं का भी त्याग होता है, फिर और प्रत्याख्यान मिटती है, फिर क्या होता है? और शांति, मुनिपना प्रकट होता है, सारे बाहर के परिग्रह का अभाव, फिर क्या होता है? संयुलन मिटती है, फिर क्या होता है? अनंत और सिद्ध। सरल है, कठिन है? ये मार्ग है। अपना परिग्रह क्या है? बस ज्ञान। और ज्ञान में जो अनंत गुणों का वैभव है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व है कि नहीं, सत्ता अपनी, अपना स्वरूप, ये अपना। तो ये 207 नंबर गाथा में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान, जो जीव जिनवाणी के माध्यम से आगम, देखो कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल वैसे ही बैठा है, जो ज्ञान आगम के माध्यम से, आगम मतलब ये जो चारों अनयोग की मई जिनवाणी है, इसके माध्यम से अपने स्वरूप को जानेगा, जब स्वरूप को जानेगा तो पर को पर जानेगा, अपने वैभव को अपना जानेगा, तो पर का वैभव क्या होगा? उसका पहले लक छूटेगा, ये मेरा, ऐसी अज्ञानता भ्रांति छूटेगी, और अनंत पर पदार्थों में ये अच्छा और ये बुरा। अब बोलो मकान अपना है ही नहीं, तो घमंड करके कर्म बांधना कि निरभिमान रहना, ये रूप अपना है ही नहीं, तो इस परिग्रह का, शरीर के परिग्रह का घमंड करना नहीं करना, तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे वो डाउन होती है। एक सरल बिल्कुल मार्ग है ये, सरल मार्ग बिल्कुल। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है, पराया जो चीजें हैं उसके, उसका जो आग्रह है, उसका जो लक्ष्य है, वो छूटता जाता है, छूटता जाता है। एक क्रम है व्यवस्थित। बात समझ में आई? आ रही कि नहीं आ रही? देखो आपको एक कविता के माध्यम से भेद विज्ञान करा रहे हैं। एक सच्ची घटना है, एक भोपाल में विद्वान थे, अपने बढ़िया विद्वान, और उनके घर पे एक अजैन व्यक्ति किराए से रहते थे। सच्ची घटना है, सच्ची घटना। और दुर्भाग्य से वो कई वर्षों से वहां रह रहे थे और उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, जो अजैन किराएदार थे, विद्वान के घर रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उनकी स्कूटर का जो कांच है, कांच लगा रहता है, तो उस कांच पे ऐसी खून की एक पतली लाइन है। तो देख के उन्हें ऐसा लगा, ये क्या है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ होगा। दूसरे दिन फिर उनने देखा खून की लाइन, अब उन्हें थोड़ा सा कुछ डाउट। तीसरे दिन फिर देखा, फिर तो अब वो पंडित साहब से बोले, साहब आपका घर खाली कर रहे हैं,
बोले क्या हो गया, आप तो बड़ी अदर है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं वो तो खाली कर रहा है। बताओ तो क्या बात है। नहीं आपके घर में कोई ऊपरी चक्कर है, कोई कोई भूत प्रेत कुछ चक्कर है, कुछ राहु केतु मतलब जो भी ऐसे चक्कर है कुछ। उन्होंने कहा ठीक है भैया आप कर देना खाली, पर रुको अभी। ठीक है साहब। तो पंडित जी साहब ने वॉचिंग की तो उन्होंने क्या देखा, एक चिड़िया आई सुबह सुबह और चिड़िया ने उस कांच में चोंच मारी और जब तक वो खून नहीं निकल गया और उसे तकलीफ नहीं हुई तब तक वो चोंच मारती रही और फिर तकलीफ हुई वो उड़ गई। फिर पंडित जी साहब ने उसको बुलाया दूसरे दिन, देखो ये तुम्हारे भूत पिशाच दंतर देवी दहाड़ी ये ऊपरी हवा सब ये है, समझ में आ रहा है कुछ। इसको अपन सिद्धांत से चर्चा कर रहे हैं। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को। बात समझ में आई। इस सिद्धांत पढ़ा रहे हैं आपको जैन धर्म अध्यात्म का मूल सिद्धांत। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को। किसको? खुद को तक रही है। भ्रम से माने पहले अज्ञान तका दूसरी चिड़िया, फिर भ्रम से माने दूजी चिड़िया चौंचे मारे। कौन को चौंचे मार रही है? चौंचे मारे मारती खुद को। किसको मार रही है और समझ क्या रही है? दिक्कत हो रही है, बस लिख लो सिद्धांत। चेत नरानी करती नादानी, ज्ञान में गेय को लखती है वो। ज्ञान में सब क्या झलक रहा है? दुकान मकान पत्नी बच्चे द्रव्यभाव नौकरम ज्ञान में झलक रहे। भ्रम से माने ज्ञान में गेय है। ज्ञान में कौन है? ये सब शरीर कर्म कसाय दुकान मकान पत्नी बच्चे ये कौन के हैं? मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं। कैसे मानते हैं ये? भ्रम से। चेत नरानी करती नादानी, ज्ञान में गेय को लखती है वो। भ्रम से माने शेर क्या कर रहा था? वो पानी में सुख स्वभाव को ना जानने से दूसरे से समझ के मर गया। ऐसे ही हमारा ज्ञान भी समझ रहा है कि ये सब ज्ञान में जो चीजें झलक रही हैं ये कौन की है? मेरी है, मैं इनका हूं। भ्रम से माने ज्ञान में गेय है। और फिर क्या कर रहा है ये ज्ञान? बस राग द्वेष करके ये अच्छा ये बुरा ये तेरा ये मेरा फालतू में मर रहा है। अब क्या हुआ? अब प्रवचन सुने, आगम सुना। आगम सुना? हाँ देखो आगम सुना, जिनवाणी सुनी, ज्ञान स्वरूप को जाना। सुनो अब चिड़िया रानी को उपदेश मिला कि बेटा दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता है, तेरा आकार ही झलक रहा है यदि कहे तो। ऐसे समझाया चिड़िया को तो वो सयानी हो गई। चिड़िया रानी हुई सयानी। कौन हो गई? क्या हो गई? सयानी मतलब समझते हो, समझदार, मूर्ख नहीं रही अब वो, इंटेलिजेंट हो गई। चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को। भ्रम को छोड़ा कौन है? मैं ही मैं हूं। दर्पण में कौन है? अरे मेरी तो आकार है प्रतिबिंब है और दूसरा कोई तो है नहीं है। भ्रम को छोड़ा चोंच न मारे। अब वो चोंच भ्रम को छोड़ा चोंच क्यों मारेगी और आनंद से जीती है वो राधे राधे। बस ऐसे ही सिद्धांत आज हमने सुना। हम सब कौन है? अरे बोलो भैया, शरीर वाले हैं, कर्म वाले हैं, कसाय वाले हैं, करने भोगने वाले हैं कि मात्र ज्ञान वाले हैं? कलश नंबर 184-85 पढ़ना। चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है, शक्कर का तो एक
मिठासी भाव है, बराबर। तो ऐसा ही चेतना रानी ने जाना कि मैं तो एक बस ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। चेतना रानी हुई सयानी, ज्ञान में ज्ञान को, किसको? ज्ञान में ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञायक को लगती अब वो भ्रम को छोड़ा। कौन है ज्ञान में? ज्ञान ही ज्ञान। पानी में क्या है बोलो? पानी में क्या है? दर्पण में क्या है? दर्पण की स्वच्छता। अच्छा, ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान का वैभव। ऐसा ज्ञान में ज्ञान को लखती अब वो भ्रम को तोड़ा। मैं ही मैं हूं आनंद में जीती है अब वो। लिख लो आप, जो आनंद में रहता है वो जैन, और जो गेयों में मरता है वो अजैन। क्या कहा? जो ज्ञान स्वरूप को जानकर आनंद में रहता है वो जैन, और जिसे नहीं है कभी भी चैन, सदा बेचैन, वो है पक्का अजैन। समझ में आ रहा है? तो हम सब कौन है? पक्का। अब एक अंतिम दृष्टांत दे रहे हैं, अंतिम दृष्टांत सुनना ध्यान से। ऐसे निर्णय से कैसे बात बदलती है और मिथ्यात्व का अनंत पाप नहीं लगता है? निर्णय के बल से। किससे? निर्णय के बल से। प्रश्न, यदि किसी लड़की की माता का देहावसान हो जाए, देहावसान हो जाए, तो वो जिनवाणी छू सकती है लड़की? अरे हाना तो करो। लड़की की माता का देहावसान हो जाए तो वो उसको सूतक लगेगी नहीं लगेगी? लड़की को जिनवाणी छू सकती है? अरे हाना तो करो भैया। आगे वाले नहीं बोलेंगे, बाउंड्री को उस तरफ वाले बोलेंगे। बोलो, लड़की की मां का स्वर्गवास हो गया, देह परिवर्तन हो गया, तो लड़की जिनवाणी छू सकती है? अरे पीछे वाले, हाँ दादाजी सही बोले, बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। सुनना ध्यान से, प्रसंग था शादी का, वो फेरे चल रहे थे। फेरे, फेरे चलते हैं। फेरे क्या होता है? वो आग की तरफ चक्कर लगाते हैं। बड़े पंडित साहब कहते हैं, जिस काम में आग के चक्कर लग रहे हैं, आग की, तो जिंदगी में अब क्या मिलेगी? बताओ आप, काहे के चक्कर लग रहे हैं? तो इसलिए आप लोग बर्फ रखना, ठीक है? क्या रखोगे आप? ठीक है, नई टीम बैठी है, कह रही यहां बर्फ। सुंदर ध्यान से, दृष्टांत बहुत मार्मिक है। तो जब ज्ञान ने जाना मैं ज्ञान वाला हूं, शरीर कर्म कसाय में ज्ञान है तो मैं इनका हूं, इनका कर्ता भोगता हूं, इनसे कोई संबंध है? सभी छूट जाते हैं, बराबर। तो मैं तो सिर्फ ज्ञान में ही आत्मा हूं, मैं एक हूं, अहम को खलू शुद्ध, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, नित्य निरंजन हूं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। सब की बात नहीं, मैं एक, बराबर। ऐसा निर्णय हुआ, अब ऐसे निर्णय से मिथ्यात्व की सूतक और अनंत कर्म बंद नहीं होता, उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुन रहे हैं सब लोग? अरे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अब सुनना। तो वो फेरे चल रहे थे, और अब माता पिता बेचारे 25 साल लड़की को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना योग किया, अब वो चली जाएगी वैसे ही गम के मारे। तो अचानक 6 फेरे हो गए, और जैसे ही 6वां फेरा पूरा हुआ, और माताजी एकदम, अब माताजी मर गई तो 7वां फेरा, तो अब बोलो 6ठा फेरा हुआ है, माताजी की डेथ हो गई, बोलो सूतक लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। अब आपको इतना ही नहीं पता, बात समझ में आ रही है? 6 फेरे तक लगेगी, और 7वां हो जाए तो सूतक नहीं लगेगी। पक्का? अरे पक्का कि कच्चा? सबको पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉक कर दे, मतलब डिसीजन ठीक है। सुनो,
ऐसे ही जो ज्ञान, ऐसे ही जो ज्ञान सात तत्वों का सही निर्णय करके अजीव आश्रव बन सब भिन्न है और मैं तो सिर्फ जीव तत्व मात्र ज्ञाता अनादि अनंत जन्म मरण कसाय सबसे रहित परमाणु मात्र राग मात्र पर्याय मात्र मेरी, मैं तो एक ध्रुव ज्ञायक हूं, ऐसा जो ज्ञान निर्णय करता है अब उसे मिथ्यात्व की सूतक नहीं लगती, अनंत कर्म नहीं बनते। पक्का की कच्चा? ये विधि है और ये जो कर्मों की चट्टान है अंदर जो कर्म बने हैं वो अपने आप, जैसे योग औषधि खाते हैं तो मलेरिया के वायरस करना पड़ते हैं, कुछ दौड़ लगाना पड़ती है, अपन तो डॉक्टर दवाई देता दवाई खाते हैं और दो पांच दिन में एकदम। बस ऐसे ही जो ये भेद विज्ञान की दवाई खाता है, दवाई क्या है, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने वैभव को, संपत्ति को, अपने गुणों को जानना, अपने द्रव गुण पर्याय के वैभव को जानना, ऐसा जानकर मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं जो प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्नता में उसे अब अनंत कर्म नहीं बनते, उसे मिथ्यात् की सूतक नहीं लगेगी। पक्का? पक्का की कच्चा? तो हम सब कौन है, जैन है कि अजैन है, मनुष्य है कि त्रियंश है? कोई जैन बोल रहा है, कोई त्रियंश बोल रहा है, मतलब हम सब कौन है, जीव है। इस देह के पहले भी थे कि नहीं थे? देह यहीं रह जाएगी और जाएंगे तो क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, जीव ही तो जाएंगे ज्ञान स्वरूप ही, तो सदाकाल हम कौन है, जीव है। तो अपन जो है उसे ऐसा जानना, ऐसा विश्वास करना और जीव पने का आनंद करना, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चायत्राणी मोक्ष मार्ग है। बोले द्वार संग जिनवाणी महाराज की।